मैं डीडी बिहार पे पढ़ती हूँ। मुझे बहुत ही मजा आता है। ये बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया जाता है। When the lockdown happened, governments across the country were looking for good digital content that students could use at home. And when, as Pratham, we reached out to them and we said that we had content in 11 regional languages, they were quite surprised and very happy ki Pratham digital bhi karta hai. So Bihar government approached us asking if we could make 10 hours of content on weekly basis in lockdown. We had never done this before, but we knew this was a golden opportunity. Pratham ke digital team ke paas standard 6 to 8 ke liye kafi sara digital content hai. लेकिन प्राइमरी ग्रेड्स के लिए बहुत ही कम कंटेंट था। इनिशियली इट वाज टफ, बट देन प्रथम स्टाफ फ्रॉम अक्रॉस इंडिया स्टार्टेड हेल्पिंग अस। यहाँ लेकर जाते हैं। बिट्टू की मौसी, ओ बिट्टू के काका। लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद बच्चों की शिक्षा पर बड़े बुरा असर पड़ा। प्रोग्राम खत्म होने के बाद बच्चे जो उसमें क्वेश्चन होते हैं उसको नोट कर लिए रहते हैं। इस प्रोग्राम से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि कविताएं, कहानियां, गणित के सवाल जवाब आदि। टीवी नहीं है तो अभी हर आदमी के पास लगभग एक स्मार्टफोन होता है, जिसके जरिए उसमें एक ऐप्स होता है जियो टीवी। खोलने के बाद उस पर प्रोग्राम आता है जिससे बच्चा देखता है। अगल बगल में पड़ोसी का है तो उसमें देख लेते हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोग एनिमेटेड वीडियो बना रहे थे और उनका वॉइस ओवर एमपी में हो रहा था। वीडियो की फाइल साइज भी ज्यादा थी और हमारे टीम में तो आधे से ज्यादा लोगों के घर पर ब्रॉडबैंड की सुविधा भी नहीं थी और 40-40 घंटे लग जाते थे अपलोड और डाउनलोड करने में। एक एक घंटे के एपिसोड में एडिट करना, ट्रांजिशन देना, ऑडियो मिक्सिंग, कलर करेक्शन, इसमें वक्त लग जाता था और हमें ये जिम्मा पूरा करना था और हमारी टीम दिन रात काम में जुट गई। इतनी सारी स्क्रिप्ट्स लिखी है, पीपीटीज बनाए हैं कि ये काम अब टीम सोते सोते भी कर सकती है। रोज टीवी पे 2 घंटा प्रथम का लोगो देखकर गर्व महसूस होता। जब हमने काका, बिट्टू और काकी इन 3 कैरेक्टर्स को चुना तो हमें नहीं पता था कि ये कैरेक्टर्स इतने सक्सेसफुल होंगे और बच्चों और माता पिता के द्वारा इतने ज्यादा पसंद किए जाएंगे। अरे नहीं काका, मौसी का मजाक कर रही है। लेकिन बिट्टू, क्या तुम जानती हो कि हमारे साथ और भी दुनिया होती है? नहीं मौसी। और बिट्टू के काका, बिट्टू मौसी की कहानी अच्छी लगी। इससे हम लोग मस्ती भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं। जोर बनाना, घटाव बनाना, गुना बनाना। बिट्टू काका और काकी अच्छी लगी। उसमें से एक बार ना वो टेम्परेचर नापने के लिए बनाए थे हम। सबसे अच्छा क्या लगता है? जादूगर मनमोह जी। काका काकी बिट्टू की कहानी। गोलमाल खेल भी अच्छा लगता है। हिंदी में व्याकरण में जो एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है वो मुझे बहुत ही पसंद है।